कर्नाटक में सिद्धरमैया सरकार बन गई है। सरकार के मंत्री भी चुन लिए गए हैं। इस मंत्रिमंडल में एक जमीर खान नाम के मंत्री हैं। ये उन 8 विधायकों में से एक हैं जो अकेले मुस्लिम हैं और सिद्धरमैया कैबिनेट में मंत्रियों के रूप में शपथ ली है। जमीर ने बेंगलुरु की चामराजपेट विधानसभा सीट से भारी जीत हासिल की। वह लगातार 3 बार यहाँ से विधायक हैं। इस वीडियो में जानेंगे कौन है जमीर खान, कैसा है राजनीतिक सफर। जमीर अहमद खान सिद्धरमैया के करीबियों में शुमार हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा जीडीएस से ही शुरू हुई थी। पहली बार वह 2005 में उपचुनाव में चामराजपेट से विधायक चुने गए। 2006 में एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में हज और वक्फ बोर्ड के मंत्री बने। जमीर अहमद खान की गिनती कर्नाटक के बड़े मुस्लिम नेताओं में होती है। सिद्धरमैया के करीबियों में शुमार इनकी पहुंच राज्य के लगभग हर क्षेत्र में है। सिद्धरमैया अपना हर फैसला लेने से पहले इनसे राय मशवरा करते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री पद की दौड़ के दौरान जब सिद्धरमैया दिल्ली में थे उस दौरान भी जमीर उनके साथ थे। चुनाव से पहले जमीर अहमद खान तब सुर्खियों में आए थे जब जुलाई 2022 में उन्होंने एक बयान दिया था। सिद्धरमैया गुट के विधायक जमीर अहमद खान ने वोकलिका समुदाय को संगठित करने के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार की कोशिश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि बस एक समुदाय के समर्थन से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। जमीर अहमद खुद भी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जता चुके हैं। उन्होंने कहा था कि सभी की मुख्यमंत्री बनने की इच्छा होती है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन सभी समुदाय को साथ लेकर ही मुख्यमंत्री बन पाना संभव है। मेरी भी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है। जमीर ने तब याद दिलाया था कि मेरे मुस्लिम समुदाय का वोकलिका समुदाय से अधिक है। क्या मेरे लिए बस अपनी जाति का समर्थन पाकर सीएम बनना संभव है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बता दें कि 2018 के चुनाव में दिए गए हलफनामे में जमीर अहमद खान ने अपनी संपत्ति 22 करोड़ रुपए बताई थी। हालांकि उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है। अगस्त 2022 में कर्नाटक के एंटी करप्शन ब्यूरो ने ईडी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि खान के पास आय के स्रोत से 87 करोड़ रुपए ज्यादा की संपत्ति है। आय से अधिक संपत्ति मामले में वे ईडी के सामने पेश भी हुए थे। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।